बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जॉब्स टुगेदर्स की एक और वीडियो में आप लोगों को खुश आमदीद। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ SST IT का पेपर, जो कि 28 फरवरी 2021 को ईटा के ज़रिए से एक्स पाटा के डिस्ट्रिक्ट के लिए लिया गया था। इसका पहला पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ये इसका पार्ट नंबर सेकेंड है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल वाले आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस के बारे में आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसमें बहुत से एमसीक्यूज ब्लर्स हैं और साफ नज़र नहीं आ रहे, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को पढ़ता जाऊँ ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ सके। तो 81 नंबर एमसीक्यूज से हम स्टार्ट लेंगे। अ ग्राफिकल इंटरफेस यूज टू इंटरेक्ट विद द डेटा बेस इस कार्ड, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, आइकन। नेक्स्ट MCQs है MCQs नंबर 82। द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ टेबल इस कार्ड डिग्री, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQs है 83, जो कि वैल्यू दिया गया है 0.56। इसको जो है ना डेसिमल में, सॉरी बाइनरी में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में दिया है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो MCQs है MCQs नंबर 84, 2753 को भी जो है ना वो बाइनरी में कन्वर्ट करना है। को बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन ए। MCQs नंबर 83 है मेरे ख्याल में, इंडेश नेटवर्क टिपोलॉजी, ईच नोड इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सेंट्रल कंप्यूटर, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन डी, स्टार टिपोलॉजी। द फंक्शन ओवरलोडिंग, नेक्स्ट MCQs है फंक्शन ओवरलोडिंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। और नेक्स्ट MCQs है डैश फंक्शंस डी एलोकेटेड्स द मेमोरी एलोकेटेड्स टू इन ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशंस, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन ऑप्शन साफ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसमें मेरे ख्याल में रिपोर्ट ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQs है SDN stands for, SDN stands for, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ISDN, तो इसका जो करेक्ट MCQs है वो है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। नेक्स्ट MCQs है द इंस्टीट्यूशंस विच प्रोवाइड्स द सॉरी विच पनिश द पीपल्स फॉर वायलेटिंग द लॉ इस कार्ड, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन सी बनता है मेरे ख्याल में, जुडिशरी। MCQs नंबर 93, अ सोशल साइंस दैट्स इन काउंट कॉम्प्रोमाइज इन टीचिंग्स एंड लर्निंग्स स्पेसिफिक नॉलेज बिलीफ एंड स्किल्स इस कार्ड, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन डी, एजुकेशन। इंडेश टिपोलॉजी, ईच ऑफ द नेटवर्क्स कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस आर इंटरकनेक्टेड विद वन इन अदर, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, मेश टोपोलॉजी। MCQs नंबर 95, द नंबर ऑफ पिक्सल्स पर स्क्वायर इंच एरिया ऑफ अ मॉनिटर इज कॉल्ड, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन डी, रेजोल्यूशन। MCQs नंबर 96, डैश इन अ चिप दैट कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड ऑन द मदर बोर्ड, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन डी, EEPROM। नेक्स्ट MCQs बनता है MCQs नंबर 97, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू
ओरल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी एयर। एमसीक्यूज नंबर 98। इन रिलेशनल टर्मिनोलॉजी एन एट्रीब्यूट इज आल्सो कॉल्ड, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी फील्ड। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वस्सलाम।